एक जंगल में तीन दोस्त रहा करते थे, कल्लू कौवा, गुड्डू चिड़ा और मैना। कल्लू कौवा अमीर पक्षी था। वह अपनी अमीरी पर बहुत घमंड किया करता था। वह अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर खाया करता, पर उसके दोस्त गरीब थे। अरे गुड्डू, चलो आज कहीं बाहर खा के आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना कहीं भी, तुम जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। हाँ हाँ, पता है तुम नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सको। खैर कोई बात नहीं, मैं चला। ऐसा कह के कल्लू कौवा वहाँ से पिज्ज़ा खाने चला जाता है। वह दोनों मनी मन उदास होते हैं, क्योंकि उनका भी मन ये सब खाने का था। भाई भाई गुड्डू, इस कल्लू को अपने पैसे पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है। हाँ तुम सही कह रहे हो। ऐसे वह अपने घर आ जाता है। माँ माँ, मुझे भी पिज्ज़ा खाना है। कल्लू रोज रोज बाहर का ही खाना खाता है, हम क्या एक भी दिन नहीं खा सकते क्या माँ? मुझे भी बाहर का खाना है, खाना है, खाना है बस। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें ऐसा लगता है कि कल्लू पिज्ज़ा बर्गर खाता है, उसकी मम्मी उसे रोज़ रोज पैसे देती है, पर बेटा ये सब गलत है। अगर किसी भी चीज़ को रोज़ रोज़ खाया जाए तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बेटे। और हाँ, ये हमारे बस में नहीं कि हम इतना महंगा भोजन खरीद के दें। माना कल्लू एक अमीर पक्षी है, पर बेटे उसके माता पिता उसकी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तुम देखना वह जल्द ही परेशान होंगे अगर उसको खाने से नहीं रोका गया तो। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। गुड्डू फिर अपनी माँ से जिद करता है। ठीक है मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा बर्गर ला के दूंगी, ठीक है? ऐसे वह बहुत खुश होता है। और गुड्डू अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ कल्लू आता ही नहीं है। अरे क्या हुआ, आज कल्लू नहीं आया क्या? हाँ हाँ, मैंने देखा कल्लू को उसके मम्मी पापा डॉक्टर के ले जा रहे हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा था। गुड्डू घर जाके अपनी माँ को सब बात बताता है। उसकी माँ भूरी कवि से मिलने जाती है। क्या बताऊँ बहन, इस कल्लू ने बहुत दुखी कर रखा है, तीन तीन इंजेक्शन लगे हैं इसे। डॉक्टर कह रहा था कि इसका बाहर का खाना बंद करें, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था। हौसला रखें बहन, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप उसे घर का बना भोजन ही दें। ऐसे दोनों माँ बेटे घर आ जाते हैं। बेटे मैं आपके लिए पिज्ज़ा लाऊं क्या? नहीं माँ नहीं, मुझे नहीं खाना पिज्ज़ा विज़्ज़ा, आप हमें घर के अच्छे अच्छे खाना ही दिया करें। ऐसे दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहते हैं।